डॉक्टर चारू खैर, नामांकन करने के बाद मैं बाहर निकल के आई हूँ, आज आप नामांकन करके आई हैं। पिछली बार भी चुनाव लड़ी थी, महज 44,000 से शायद आप पीछे रही थी। क्या कहेंगे, क्या क्या मुद्दों के बीच में आप जनता के बीच जाने वाली है? देखिए, मेरा सबसे पहला मुद्दा विकास का ही रहेगा, फिर शिक्षा और स्वास्थ्य, मेरे ये तीन अहम मुद्दे रहेंगे। यार, जाम की एक बड़ी समस्या है। आप पिछली बार भी तमाम फील्ड में देखा, हमने देखा था, आप लगातार घूमते रही थी। आपके ससुर है चौधरी तेजवीर सिंह गुड्डू, और वो जिला पंचायत भी उनके द्वारा कई विकास कार्य कराए गए। जी, जाम बहुत बड़ी समस्या है खैरोर जट्टारी में, तो जाम से निजात मिले सबको, ये मेरी प्राथमिकता रहे। अच्छा जी, आप क्या कहेंगे कि प्रत्याशी आपकी नामांकन करके आई है, किस तरीके के मुद्दे रहने वाले हैं इस बार चुनाव के उपचुनाव को लेकर? जनता में युवाओं की बेरोजगारी, किसानों की समस्या, बढ़ती हुई चरम सीमा छूती हुई महंगाई, और ये सारी समस्याएं जनता की आम समस्या है। जैसा कि आप जाम के लिए बता रहे हो, ये यहाँ का नहीं, हर जगह का इस तरह की परेशानी है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक महिला को पीडीए के तहत टिकट दी है। समाजवादी पार्टी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी महिलाओं का बहुत सम्मान करते हैं, और क्षेत्र की मांग थी चारूकेन, तो इसीलिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने चारूकेन को टिकट दी। मैं तस्वीर दिखाऊंगी, तमाम समाजवादी के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और जो प्रत्याशी हैं डॉक्टर चारू खैर, वो नामांकन करते हुए तस्वीरों में आपको साफ तौर से नजर आएंगी। अभी अपना नामांकन करके निकली हैं, और कहीं ना कहीं जो 2022 का चुनाव रहा था उसमें ये दूसरे नंबर की प्रत्याशी रहती, और तमाम जो समाजवादी के लोग हैं वो इनके नामांकन में आए हुए हैं। हालांकि देखिए, खैर विधानसभा का इस बार का चुनाव क्या बाकी कड़ा होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से ये तेजवीर सिंह गुड्डू, जो चौधरी तेजवीर सिंह गुड्डू पूर्व में जिला पंचायत अध्यक्ष रहे के उनकी पुत्र बधु हैं, अब अपना नामांकन करके आई हैं चारू खैर, डॉक्टर चारू खैर। अब देखना होगा कि इस बार खैर विधानसभा का मुकाबला किस तरीके का रहने वाला है। मैं सुखी धन्यवाद के साथ मोहित गुप्ता, TV9, खैर विधानसभा, अलीगढ़।